लेकिन घर की रक्षा वही करता है। हमारे घर में पांच भाइयों में से एक भाई जो सबसे ज्यादा बर्बाद होता है ना, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड वही होता है, लेकिन संकट के समय वही सबसे आगे खड़ा होता है। वो पढ़ने वाले मार्क्सिंग वाले भाई जो है वो छुप जाते हैं कमरे में। आपने पहली बार चाहे कुत्ता भी कुछ कह लीजिए, ये सब पाखंड की बातें हैं कि साहब को ये हुआ और गुजरात का डेवलपमेंट बिक गया। कोई डेवलपमेंट नहीं बिका, पूरे देश में एक ही बेच गई कि गुंडों को मारने के लिए हमारे पास भी एक गुंडा है और उस गुंडे ने 2002 में मारा। ये अंदर की बात है, पब्लिक बोली नहीं। तो जब गुंडों से लड़ाई होगी तो गुंडा चुनेंगे, पुलिस में एफआईआर लिखाने जाएंगे। मतलब हमारी आज भी मानसिकता है कुछ हो जाएगा इसके इसकी एफआईआर लिखा। अरे भाई कांड हो चुका, आप एफआईआर लिखाने से क्या होता है यार, उससे कुछ बदल थोड़ी जाएगा। तो 2019 का जो चुनाव था वो भारतीय राजनीति में इंपॉर्टेंट था कि हिंदू समाज ने कभी अपने हीरो को रिपीट नहीं, एकदम बदल देते जैसे कपड़े बदल देते। पहली बार आपने उस पर भरोसा जताया और 283 से 303 और उस दौर के पूरी चीजों को देखिए कपास से। जैसे ही ये हुआ तो तेजी आई सरकार में, ठीक। और तेजी किस बात पे, उन्होंने कहा ये दो तीन काम नहीं किए ना तो 303 के तीन ही रह जाएंगे, खुद दो वाले थे पार्लियामेंट में बीजेपी वाले। वो दबाव था और सरकार से दबाव नहीं हुआ, भारत की व्यवस्था पर पहली बार दबाव बनाया। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सरकार 19 में बदली आपने और एक गुंडे के साथ में एक और भेजा आपने और उसके भेजने से जो व्यवस्था में लोग थे वो ये समझने लगे कि ये हिंदू जो डरपोक था, जो कायर था, जो छुपा रहता था, इसने खुल के गुंडों का समर्थन किया है क्योंकि यही इनके इनको बचा सकता है। उसका असर ये हुआ, आप देखो राम मंदिर का जितने पीएम गए, कोई इधर बात कर रहा है, कोई उधर बात कर रहा है। मैंने वो कहा कि आपने ट्रेनिंग जो उसे दी यहां 15 साल, उसका फंडा क्लियर हो गया कि 2002 किए बगैर ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई कुर्ता परेशान करे। उसने उसी अंदाज से चला, सुप्रीम कोर्ट में एक दिन मैसेज आया कि प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट घूमना चाहते हैं। अब जो आदमी कोर्ट के इतने चक्कर लगा चुका है उसे सुप्रीम कोर्ट क्यों घूमना था, पूरा सुप्रीम कोर्ट कवर हो गया, एसपीजे लग गई। आधे दिन तक तो यही खबर चलती रही कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, कोई बम हो गया है, फलाना हो गया। एक घंटे के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में उसे कौन सुप्रीम कोर्ट घुमाएगा, पेशकार तो घुमाएगा, घुमा रहे थे छोटे कद के हैं, मोदी एक कदम चलता था वो दो कदम चलते थे बेचारे, वही रास्ते बताया उसने। ये जो है ना फाइल 18 नंबर की, ये दमाद तुम्हारा जेल चला जाए। सुप्रीम कोर्ट घूम लिया, उसके 10 दिन के बाद चीफ जस्टिस कह रहा है मैं 40 दिन में राम मंदिर का फैसला। इसमें आदर्शवाद नहीं हो सकता, ये व्यवस्था ऐसे ही चल रही थी, पहले भी ऐसी चल रही थी। उसके ऊपर जामा पहना दिया जाता है व्यवस्था का, आदर्श का, लॉजिक का, रीजन का। 40 दिन में उन्होंने फैसला दे दिया। मैंने तो उस वक्त ही पब्लिक करा, अगर आरएसएस को ये काम दे देते आप कि भाई ये फैसला आप लिख दीजिए, तो जो फैसला कांगली लिख के गया ना वो आरएसएस नहीं है। वो भी उनको भी सर्कुलर सूझ रहा है आजकल, वो भी जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना करके मुसलमानों की के साथ संबंध बना रहे हैं। वो भी ये कहते हैं कि यहां मंदिर है, यहां भी मस्जिद बनानी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। उसने एक लाइन में साफ बना दिया कि ये आसपास नजर नहीं आना चाहिए, 5 किलोमीटर दूर दिया कि ये 5 एकड़ जमीन है, इस पे जिन लोगों की ख्वाहिश थी टॉयलेट बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहां बना लो यह मंदिर। एक तरफा फैसला दिया और उसको जैसे दिया तत्काल उस चीफ जस्टिस को कहा बेकार में घूमेंगे, मुंह खोलेंगे, उनके मुंह में एक लॉलीपॉप थी राज्यसभा की, मुंह बंद रखकर किसी बीच में चले जाएंगे, वो कोई बयान भी नहीं देगा। ये राजनीति का नियम है और कुछ नहीं।
हम ऐसे लोगों को चुनते बहुत जल्दी हार जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं। और जो लोग पांच लोगों का घर का परिवार नहीं चला पाते ना, वो देश के प्रधानमंत्री को दिन में 20 राय देते हैं। यूक्रेन में क्या लाइन देनी चाहिए, इसराइल में क्या पढ़ना चाहिए, इसराइल की स्पेलिंग पता नहीं है कहां, ये पता नहीं, कुछ भी बयान देते, बैठे बैठे दे देते। सर आप ये करना चाहिए, मेरे पास प्लान है कैसे हिंदू राज बनाया जाए। मैंने कहा अपने घर की रोटी बना लिया। तो ये दूसरों को देखा है, किसी और कम्युनिटी को देखा है आपने? अगर ये इंटरनेट और ये ना आता तो आज भी हिंदू जो है ना ये नहीं पता चल पाता कि भाई मेरे 1990 में जो कांड हुआ है वो आपको कश्मीर फाइल से पता चला। इसका मतलब है तुम कितने सोचते हो, हम कौन लोग हैं यार, अपने स्वार्थ से कभी निकलते ही नहीं आगे। शर्मा जी क्या गाड़ी कौन सी आई है, जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हमारे पेट में दर्द ही होता रहेगा। हमारा सारा फोकस ये है, कश्मीर जैसी जगह जो आपके राज्य में देश में, अगर आपको कश्मीर का नहीं पता तो आप यूक्रेन के बारे में क्या जानते। मैंने उसी वक्त कैरियर शुरू किया। जो विवेक ने फिल्म बनाई है